डॉक्टर बीना कौशिक SPC राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है इल्तुतमिश के कार्य पार्ट सेकंड। पार्ट प्रथम में हमने इल्तुतमिश किस प्रकार से दिल्ली का सुल्तान बना और उसके सुल्तान बनने के बाद उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन इस पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश ने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन कौन से कार्य किए। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अमीरों ने उसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने इसका विरोध किया। उन्होंने ऐबक के दामाद और बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बनाया। आराम शाह ने उस पर आक्रमण किया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। और इस प्रकार से हम देखें इल्तुतमिश दिल्ली के अमीरों के द्वारा सुल्तान बनाया गया और इल्तुतमिश ने खुद अपनी योग्यता से ये पद प्राप्त किया। अब इल्तुतमिश के कार्य या उसकी सफलताएं, सबसे पहला है कि तुर्क जो विरोधी अमीर थे उनका दमन करना। इल्तुतमिश ऐसे अमीरों के विरोध को कठोरता से उसने दमन किया जो कि उसकी सत्ता का विरोध कर रहे थे। जो हम देखें कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसके समय में जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन जो अमीर थे यालदोज और नासिरुद्दीन कुबाचा, इन दोनों ने इल्तुतमिश की सत्ता का विरोध किया और इल्तुतमिश को अपने अधीन शासक मानते हुए अनेक राजकीय चिन्ह उसको भेंट किए और उसे दिल्ली के जो गद्दी है उस पर अपना अधिकार माना। तो सबसे पहला जो प्रमुख हम देखें जो अमीर था, विरोधी अमीर, वो था यालदोज। तो यालदोज का दमन इल्तुतमिश ने यालदोज का दमन करके ही हम देखें एक अपने पुराने शत्रु को उसने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यालदोज के प्रति उसका व्यवहार सफल कूटनीतिज्ञ का रहा। यालदोज गजनी का शासक था। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो ऐसी स्थिति में उसने इल्तुतमिश को अपने अधीन शासक मानते हुए और उसको कुछ राजकीय चिन्ह भेंट किए, लेकिन इल्तुतमिश क्योंकि उस समय उसकी राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसने सबसे पहले अपनी सत्ता को मजबूत किया और फिर उसके बाद में मजबूत करके उसने यालदोज का मुकाबला करने का कार्य किया। उस पर आक्रमण, जब यालदोज पर हम देखें कि मंगोलों का आक्रमण हुआ तो ऐसी स्थिति में उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। इल्तुतमिश ने इस स्थिति का फायदा उठाकर यालदोज पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार यालदोज के दमन से भारतीय प्रदेशों का गजनी से संबंध पूर्णतः समाप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व कायम हो गया। यालदोज को युद्ध में न केवल इल्तुतमिश ने पराजित किया बल्कि उसको वध भी करा दिया, जिससे उसका शत्रु पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और उसकी गजनी के शासक कोई भी उसकी सत्ता का कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकते थे। और दूसरा, गजनी का भारतीय प्रदेशों से जो संपर्क था वो भी समाप्त हो गया। अब भारतीय प्रदेश स्वतंत्र थे और यहाँ का शासक जो था भारतीय प्रदेशों का पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक था। दूसरा जो प्रमुख शत्रु था उसका कुबाचा का भी इल्तुतमिश ने अंत किया। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों को का फायदा उठाकर हम देखें कुबाचा ने सिंध, मुल्तान, लाहौर और पंजाब आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने उस पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। तो हम देखें नासिरुद्दीन कुबाचा इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर महत्वपूर्ण प्रदेशों का उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया था। अब कोई भी जो भारत के प्रदेशों पर अधिकार करना चाहता था तो ऐसी स्थिति में नासिरुद्दीन कुबाचा से उसका संघर्ष होता था। कुबाचा ने जब इल्तुतमिश प्रारंभिक काल में जब वो कठिनाइयों में था और अपनी तुर्क अमीर उसका विरोध कर रहे थे तो ऐसी स्थिति में उसने अपने राज्य का और अधिक विस्तार करना प्रारंभ कर दिया और अब वो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से लेकर अब भारत के उत्तरी भाग में वो अपने राज्य का विस्तार करने लगा। पंजाब तक का अधिकार प्रदेश उसके अधिकार में आ गया था। दिल्ली सल्तनत की सीमाएं उससे लगने लगी थी। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने उस पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया और बाद में वो विवश होकर
और अंत में हम देखें दुखी होकर वो सिंध नदी में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। तो इस प्रकार इल्तुतमिश के समय का दूसरा जो प्रमुख शत्रु था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से चला आ रहा था उसका भी अंत हो गया। और इसके बाद इल्तुतमिश का उसके संपूर्ण जो प्रदेश थे उन पर अधिकार हो गया। ये उत्तर भारत के महत्वपूर्ण प्रदेश थे जैसे कि सिंध है, मुल्तान है, लाहौर है, पंजाब है और इनके महत्वपूर्ण किलों पर भी उसका अधिकार हो गया। इल्तुतमिश के साम्राज्य का भी विस्तार हुआ। अब दूसरा उसका प्रमुख कार्य था मंगोलों के आक्रमणों से अपने आप को सुरक्षित रखना। इल्तुतमिश के समय भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हो गया था। मंगोल नेता चंगेज खान ने मध्य एशिया के अधिकांश प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। वह जलालुद्दीन मंग वर्णी का पीछा करता हुआ भारतीय सीमा पर आ गया। इल्तुतमिश ने चंगेज खान के विरुद्ध जलालुद्दीन को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी और उसे पंजाब छोड़ने को कहा। कुछ समय बाद जलालुद्दीन के भारत से ईरान चले जाने के कारण चंगेज खान भी सिंधु नदी से वापस लौट गया। तो मंगोलों का भारत के ऊपर आक्रमण होने का उजह हम देखें इल्तुतमिश ने बड़ी ही दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाकर और भारत के ऊपर मंगोलों के आक्रमण का खतरा जो मंडरा रहा था उसे अपने भारतीय प्रदेशों को सुरक्षित कर लिया। उसने हम देखें जलालुद्दीन मंग वर्णी की सहायता ना करके और परोक्ष रूप से चंगेज खान के आक्रमण से भारतीय प्रदेशों की सुरक्षा कर ली जो कि उसका एक महत्वपूर्ण और कार्य सिद्ध हुआ क्योंकि उसका राज्य अभी अभी नया दिल्ली सल्तनत में स्थापित हुआ था। उसकी शक्ति अभी इतनी नहीं थी कि वह मंगोलों से मुकाबला कर सके। तो उसने बड़ी ही कूटनीति से कार्य करते हुए हम देखें कि मंगोलों को अपने भारतीय सीमा से बाहर भेजने में वो सफल रहा और उसका राज्य सुरक्षित हो गया। इसके बाद हम देखें इल्तुतमिश का एक और महत्वपूर्ण कार्य था कि उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता के कारण भारतीय प्रदेशों की राजधानी लाहौर के स्थान पर दिल्ली को बनाया जो कि आज तक भारत की राजधानी बनी हुई है। और इल्तुतमिश ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि भारत के उत्तर भारत के प्रदेशों पर नियंत्रण करने के लिए और जो राजधानी होनी चाहिए वो केंद्र में स्थित होनी चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हम देखें तो राजधानी जो लाहौर थी और वो एक तरफ पड़ जाती थी। जो भारतीय प्रदेश जो कि बंगाल और गुजरात और मध्य प्रदेशों पर अब भारतीय जो सीमा है वहाँ विस्तृत हो रही थी तो ऐसी स्थिति में लाहौर से वहाँ उन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तो इस कारण से इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया और यहीं से अपने राज्य का संचालन किया जो कि उसकी एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार इल्तुतमिश की इन सफलताओं के कारण उसके निवेदन पर खलीफा ने भी उसे भारतीय प्रदेशों का सुल्तान स्वीकार कर लिया। इसके कारण दिल्ली सल्तनत कानूनी रूप से स्वतंत्र राज्य बन गया। अब इस्लामी कानून के अनुसार क्योंकि जो इल्तुतमिश पहले समय में दास रह चुका था तो ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम जनता थी उसको सुल्तान स्वीकार नहीं कर रही थी तो उसके लिए उसने खलीफा से स्वयं निवेदन किया और खलीफा ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया और उसके बाद में उन्होंने खलीफा ने उसे भारतीय प्रदेशों का शासक नियुक्त कर लिया। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश के इन महत्वपूर्ण कार्यों से उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। नमस्कार।